सब्सक्राइब कीजिए कुंडलनी जागरण को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, जिससे कि आपको मिल सके हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। क्योंकि ये बहुत सहयोग के लिए पोषक है, इसलिए मैं नहीं कह रही कि मेरा जन्म हिंदुस्तान में हुआ है तो मैं हिंदुस्तान में। जो बाहर की चीजें अच्छी है वो सीखनी चाहिए, और वो भी भारतीय संस्कृति को अगर आप पूरी तरह से अपना ले तो अपने आप ही आ जाए। वो तो थोड़ी सी उनके पास चीजें हैं जिनके प्रति हम समझ सकते हैं कि उन्होंने जो कायदे कानून बनाए हैं बाहर, या इस तरह से उन्होंने अपनी प्रगति की है, और उसमें भी एक तरह का कोई नियम और कोई डिसिप्लिन रखा है वो हमारे अंदर नहीं, वो भी अपने आप ही आ जाएगा। क्योंकि भारतीय संस्कृति ऐसी चीज है कि वो सब चीज पे असर करती है, सब चीज को वो ठीक करती है। जीवन के जितने प्रांगण हैं, जितने भी आयाम हैं, सब में वो एक दैविक प्रकृति को प्रस्थापित करती है। वो दैविक प्रकृति को प्रस्थापित करने के बाद और किसी भी संस्कृति में नहीं। इसलिए हमारी भारतीय संस्कृति को स्वीकार करना चाहिए और उसमें अपने को बहुत महत्वपूर्ण समझना चाहिए कि हमारी हम लोग भारतीय संस्कृति में उतर रहे। मैं गांधी जी के पास 7 साल की उम्र से थी और मैं उन्हें देखती थी, तो मैंने देखा कि उन्होंने धर्म पर बहुत बात की थी, लेकिन गांधी जी बहुत कड़क स्वभाव के आदमी थे, बहुत ज्यादा कड़क थे। वैसा सहयोग में नहीं, सहयोग में जैसा चाहे रहो, जैसे आराम से, जैसे बन पड़े जितना आगे चलो, कोई इसमें आपको जबरदस्ती नहीं। उनका तो ये स्वभाव था गांधी जी का कि सवेरे 4 बजे उठना चाहे कुछ हो जाए। अब सहयोगी करते हैं, अपने देश के सहयोगी बहुत मेहनत करते हैं, हम लोगों से बहुत ज्यादा। एक तो अपने यहाँ कोई आश्रम में नहीं रहना चाहता, अब वो लोग कहते हैं आप ही आश्रम में रहो, तो कोई रहने नहीं चाहता। इतना आश्रम बना है तो लोगों को आश्रम में रहना नहीं अच्छा लगता है, घर से चिपक के रहते हैं। पर गांधी जी का आश्रम में नियम यह था 4 बजे उठने का, और सवेरे उनके साथ आप नहा धो करके और प्रार्थना में जा, तो वहाँ सब सांप वगैरह सब घुमा करते थे। कभी प्रार्थना में भी देखते थे कि सामने सांप डोल रहे हैं आपके, लेकिन आप चुपचाप बैठ करके वहाँ ध्यान करिए। उसके बाद उसकी जब प्रार्थना हो जाती थी उसके बाद वो बहुत जल्दी चलते थे, उनके साथ सबको दौड़ना पड़ता था। और इतने उनके कायदे कानून थे कि खाने के लिए सिर्फ उबला हुआ खाना, और अगर आप चाहिए तो ऊपर से थोड़ा सा सरसों का तेल आप खा ले सकते, और ना उसमें कोई मिर्च ना कोई चीज नहीं, और बिल्कुल आपको ऐसा खाना खाना पड़ेगा। वो चाहे चीज कोई भी हो, चाहे जवाहरलाल हो, चाहे अबुल कलाम आजाद हो, चाहे कोई हो, सबके लिए नियम था कि खाना यही सबको मिलेगा, और सब इसी तरह का वहाँ खाना भी खाते। बहुत ज्यादा उनका डिसिप्लिन था, और खुद अपने मामले में भी अपना जीवन भी उनका इसी तरह का था कि जिसमें वो बिल्कुल ही कहना चाहिए बड़े भारी बाबा जी के सन्यासी थे, और बहुत कड़क उनका स्वभाव था, और इतने जबरदस्त थे कि कोई अगर कोई जरा सी गलती कर ले तो उसको सबके सामने खोल करके इस तरह से कह देते थे कि दूसरा आदमी जो है वो बिल्कुल लतीत हो गया। उस वक्त ऐसी चीज की जरूरत नहीं थी, लेकिन न जाने उस वक्त ऐसे लोग थे जिन्होंने बहुत प्यार किया देश के लिए, बहुत प्यार किया। हमारे पिताजी माता जी ने देखा ऐसे लोग तो अब सोच भी नहीं सकते ना उन्होंने क्या किया, सब चीज प्यार। हम लोग छोटे छोटे बच्चे थे, 8-9 साल की थी, तो इतनी बड़ी चाबी लेकर के घूमती थी, सब भाई बहनों को संभालती थी, घरों से निकाल दिया मोटे पिताजी, और हम लोग तो झोपड़ियों में रहते, इतना त्याग, इतनी श्रद्धा देश को आजाद करने। देखो आज देश आजाद हुआ है, क्या आज आजाद होकर के देश का क्या हाल था। इसी प्रकार एक तरह के बड़े वीर लोग थे, बहुत वीर लोग, और ऐसी अगर भावना अगर हमारे अंदर त्याग किया है तो हम अपने देश की काया पालन पूरी तरह से कर सकते, इसमें मुझे कोई शंका नहीं। लेकिन वो त्याग होनी चाहिए, और उस त्याग में बड़ा गर्व होना, वो त्याग करने में कोई रोता नहीं है। बहुत से मैं देखती हूँ कि सरकारी नौकर होते भी है तो कहेंगे भाई मैं बड़ा ईमानदार हूँ इसलिए मेरे पास कुछ, अरे भाई
तुम ईमानदार हो तो उस पर प्रोडक्ट कौन से लाते, बिल्कुल खुशी की बात है। तुम तो ईमानदार हो कम से कम, अगर मैं ईमानदार नहीं होता तो मेरे पास मोटर होती, ये होती, वो होती, तो बात करो वही कोई धंधे करो, पैसे लिए आप ईमानदार हो। पर पहले इसका बड़ा डर, और लोग बहुत सोचते थे ये बच्चे किसके, इनके बाप ऐसे, इनकी माँ ऐसे, इस कदर शानदार लोग थे और इतने त्याग वाले थे। इतना ही नहीं, हम लोगों को तक यही था कि तुम देश के लिए पूर्ण तैयार को समर्पित करो, तुम प्राण भी, तब हम खुश होंगे। इस तरह के माँ बाप हम लोगों ने पाए थे, और इस तरह के आज भी हमें लोग चाहिए, तभी देश की राजकीय स्थिति ठीक हो सकती। जो मैं आपके कोई प्राणवान जाने की बात, कोई कुछ भी करे, आप लोगों का जीवन बनाओ, और हर तरह से आपको सुख है, जो में तो सुख ही सुख है, आनंद ही आनंद है। लेकिन ये सोचना चाहिए कि ये एक तरह का चॉकलेट जिसको आप खाते हैं, इसके अंदर एक गहन चीज वो है, यहाँ आपको तप भी करना होगा, और जब तक ये तपस्या नहीं होती तब तक आप पूरी तरह से सहजों को प्राप्त नहीं करना। ये तपस्या वैसी नहीं है जैसे कि हिमालय पर जाओ और कपड़े उतार के ठंड में ठिठुरते रहो, उस तरह से, पर यह तपस्या ये कि काया वाच मन से पूरी तरह से आपको समर्पित होना चाहिए एक बड़े देश के, बड़ी चीज के, तब फिर अपने आप बहुत सी चीजें घटित हो जाएंगी। आज तक मैंने आपके कोई चीज का बंधन नहीं था, किसी चीज की मनाही नहीं, सब प्यार प्यार की बातें होती नहीं, प्यार ही देती नहीं, और सब प्यार करता रहा, सब आपस में मजा मजा होते रहा। लेकिन आज जब आपने जन्मदिन की बात की है तो एक नया आयाम हमारे जिंदगी में आ जाए, नए इरादे हो जाए, और जिन इरादों पे हम बाद में गर्व करें ऐसे इरादे हमारे अंदर हो सके, और आप लोग सहयोगी हैं, आपका हर इरादा पूरा हो जाए। मेरा तो मुझे इरादे नहीं है, मुझे कोई इच्छा नहीं है, लेकिन आप लोग इच्छा अगर करें तो सब चीज ठीक हो सकती है। और इसके आज हमारे देश की स्थिति के लिए आपको मन से प्रार्थना भी करनी चाहिए, और आज पूजा भी करनी चाहिए इसी चीज को सोच के कि हमें अपनी देश की स्थिति ठीक करनी है, और हमारे अंदर वो शक्ति आए जहाँ हम अपनी छोटी सी जो जिंदगी है उसको विशाल करके कम से कम देश की ओर नजर करें, और इसकी जो हालात है उसको समझ लें और उसमें कार्यान्वयन। आज का दिन आप सबको शुभ हो, और आशा है कि मेरे जीते जी ही मैं वो भी दिन देख सकूं जब हमारा देश इन सब बंधनों से आजाद हो जाए पूरी तरह से, और सहज का झंडा सब जगह फैल जाए। आप सबको अनंत आशीर्वाद।